भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। प्रबुद्ध जन लोगों को क्या संबोधित, गिनाई मोदी सरकार की योजनाएं। कलान विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश राजू भैया ने राम दरबार स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का किया स्वागत। शनिवार को पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 10 वर्षों में भारत की दशा बदल दी है। 2014 के पहले के भारत और आज के भारत में बहुत अंतर आया है। पीएम के नेतृत्व में देश ने सभी मोर्चों पर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मोदी की गारंटी वाली योजनाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। भारत 11वीं विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। उन्होंने कहा, जो नौजवान फर्स्ट टाइम वोट करेगा उसने 2014 के पहले का जमाना नहीं देखा, जब बहाली ही बहाली थी। भ्रष्टाचार, घोटाला, आतंकवाद अखबारों की हेडलाइन बनते थे। देश में निराश का माहौल था, जहां देश में हर तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा था। सिर्फ चारों तरफ निराशा का माहौल दिखता था। प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद नौजवानों को तोहफा देते हुए अधिकारियों द्वारा सर्टिफिकेट प्रमाणित करने के आदेश को बदलकर 100 प्रमाणित करने का आदेश किया। नौकरी में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर देश के युवाओं पर भरोसा जताया। आज देश में प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। आज पूरी दुनिया में भारतवासियों का सम्मान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जनमानस का मत है मोदी जी भारी बहुमत से तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा, प्रबुद्ध वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी बात समाज गौर से सुनता है, वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर कहा, पहले आप देख चुके हैं इस बार एक तरफा चुनाव होगा। विशिष्ट अतिथि यूपी सरकार के मंत्री व क्लस्टर प्रभारी नंदी ने कहा, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को आप बागडोर देते हैं तो आतंकी थर थर कांपते हैं। मंत्री ने कहा, 2019 में हमारे सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा और जवाब दिया। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी महाशक्ति के रूप में देश उभरा है। आज चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, कांप जाता है वह भी। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए अतिथियों का परिचय कराया। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ कांत ने करते हुए सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाई। इस कार्यक्रम में तमाम प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कलान विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश राजू भैया ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको और सुनाते हैं आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया। मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। आज का जो प्रबुद्ध सम्मेलन था, वो प्रबुद्ध सम्मेलन पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट के सभी विद्वान प्राध्यापकगण और अन्य कर्मचारीगण सभी लोग आए हुए थे। और चूंकि आज प्रबुद्ध सम्मेलन था और प्रबुद्ध सम्मेलन में हम लोगों के माध्यम से आदरणीय श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, जो उद्बोधन किया, उन्होंने कहा कि भाई प्रबुद्ध एक ऐसा वर्ग है जिसके माध्यम से हमारी जो भी सरोकार हैं, सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी इम्प्लीमेशन हो रहे हैं, उनके सरोकार करने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम है तो प्रबुद्ध वर्ग के ही लोग हैं। और आपके माध्यम से जनमानस को सरोकार करने के लिए मैं एक कार्यक्रम को आयोजित कराया गया है, और जिसमें आने का हमको एक सुखद मौका मिला। और उस माध्यम से उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को, नीतियों को उन्होंने उसका प्रसार प्रसार किया। इसके लिए मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये एक पद्धति है, समय समय पर हम बुद्धिजीवियों के साथ, समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के प्रमुख लोगों के साथ हमारा बैठना रहता है, भिन्न भिन्न व्यवसायों के साथ संबंध रखने वाले, क्योंकि ये लोग ओपिनियन मेकर्स भी हैं समाज में। कुछ हम अपनी बात इनके सामने रखते हैं और कुछ इनसे भी हमें समझने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनका भी अपना एक मत हो सकता है, लेकिन वो प्रभावी मत होता है, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठ करके किसी राजनीतिक दल के साथ संबंध ना रखते हुए उनका अपना कन्विंसिंग कैपेसिटी रहती है। और विशेषकर अब ये महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 वर्ष प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी को हो गए। इस बार
जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा 18 वर्ष का, उसने शायद वो जमाना नहीं देखा 2014 का, जब बेहाली थी, निराशावाद था, युवा मायूस था, हर नौजवान इस इंतजार में था कि कब मौका मिले और देश से कूच करके कहीं दूसरे देश चला जाए। सबको लगता था, विशेषकर नौजवानों को, कि यहाँ पे तो कोई भविष्य है नहीं, भाई भतीजावार और पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलते कोई प्रभावी नौजवान होंगे, परिवार होंगे, उनको वो अवसर मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। मोदी जी ने वो सारा बदला, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। नौजवानों के लिए इंटरव्यूज की प्रथा समाप्त कर दी, जहाँ पर धांधली होती थी, गेस्टेड अफसर से अटेस्टेशन समाप्त की, ताकि समाज के किसी भी वर्ग का नौजवान हो, घर बड़ा हो के छोटा हो, उसे अवसर ले देश के ऊंचे से ऊंचे पद के लिए अपनी दावेदारी, अपनी प्रतिभा, अपनी परिश्रम के अनुकूल अपनी किस्मत आजमाने का। वो बात इन नए वोटर्स को समझाना आवश्यक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या गुरुमंत्र, ये लोकसभा में ही वोट डालने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्योंकि उस समय 2014 से पहले इनकी अवस्था 7 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष की थी, शायद इन्हें उस समय का जमाना याद नहीं। और इसलिए आज हमारा अध्यापकों के साथ बैठना हुआ, छात्रों के साथ बैठना हुआ, और कुछ हमने अपनी बात रखी, और हमने ये कहा कि तर्क, तथ्य और तुलना, अब वो जमाना नहीं है ना कि बिना तर्क के बात की जाए, तर्क के साथ तुलनात्मक ढंग से विषय रखे जाए। कुछ उन्होंने भी अपनी बात रखी, हमने, और हमें लगता है कि इस समय जनमानस का ये मत है कि मोदी जी भारी बहुमत से इस देश का नेतृत्व किसी प्रकार का 400 पार का जो नारा है उसको किस तरह साकार करेंगे, क्योंकि लोकसभा अमेठी और सुल्तानपुर में ये खास फोकस इस पर निगाह है। 400 का नारा हम नहीं लगा रहे, लोग कह रहे लगे, जो पार्टी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक दल आह्वान करने के बजाय आम आदमी आह्वान करने लगा है कि साहब मैं 400 पार कराने को तैयार है, आप मेरा सहयोग करें। जो अलायंस है, आपने पहले भी देख लिया, और इस बार एक ही वन साइडेड चुनाव रहने वाला है।